2024 মনে রাখবেন খেলা হবে 2024 পর্যন্ত যত ইলেকশন হবে প্রত্যেকটাতেই খেলা হবে देखिए ये মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় की नई सिरे से नौटंकी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी को दलाली कर रही है और इससे कुछ ज्यादा कहूँ मोदी जी को दलाली कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने की सारे कवायद कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी को खुश करना उनके लिए जरूरी है, अपने भतीजों को बचाना उनके लिए फर्ज है। उनकी फर्ज ये बनते हैं कि अपने भतीजों को बचाना और बचा सकते हैं मोदी, तो मोदी जी को खुश करो, अगर मोदी जी खुश तो ममता बनर्जी की सत्ता में मजबूती से रहना वो भी तय हो जाएगी। इसलिए सब कुछ जानते हुए समझते हुए ये मोदी जी की खिलाफ इनकी आवाज बंद हो गई है। उनकी मोदी जी की पार्टी आरएसएस की माउथ पीस में स्वस्तिका दर्शन, स्वस्तिका बोल के एक माउथ पीस है, हुआ भी ममता बनर्जी की तरह तरह की सराहना की गई है। अब देखो एक तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ एक लफ्ज जिक्र करना माना हो गए। प्रत्येक कथा हमने रेखे आगामी दिन हमारे लक्ष्य हो इंडस्ट्री तैयारी करा और चाकरी बृद्धि करा, এই দুটো কাজ নিয়ে আমি এখন মাঠে নেমেছি এবং আমি বিজেপিকে সারা ভারতবর্ষে দেখতে চাই পরাস্ত করতে। সারা ভারতবর্ষে পরাস্ত করবার জন্য 2024 মনে রাখবেন খেলা হবে 2024 পর্যন্ত যত ইলেকশন হবে প্রত্যেকটাতেই খেলা হবে আর আমি ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে দেখিয়ে দেব তোমরা যতই বাধা দাও কেন আমাদের আটকাতে পারবে না। হিংসা করে আর নিন্দে করে আর কুৎসা করে কখনো রোখা যায় না মানুষের ভালোবাসার ঢেউ, এটা মনে রাখতে হবে। আর যতদিন বাঁচব মানুষের কাজ করব, বাংলার সভ্যতা রক্ষা করব, দেশের সংস্কৃতি রক্ষা করব, সম্প্রীতি রক্ষা করব, কৃষ্টি রক্ষা করব আর বাংলা দেখিয়ে দেবে বাংলা যা পারে কেউ পারে না। আমার জীবনের স্বপ্ন বাংলা আনবে বিশ্বের ভোর, বাংলাই সেরা, বাংলাই সেরা, বাংলাই সেরা।